अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अब्दुल हबीब। वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 5 अंडर यूनिट 4 फॉर इंटरमीडिएट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। लेट अस सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 243, क्वेश्चन नंबर 7। गणेश एंड शंकर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है? गणेश और शंकर। और ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 3:2। सो 3+2 इट बिकम्स 5। सो वट एवर द अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंग गणेश एंड शंकर, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 शेयर्स, फ्रॉम विच 3 शेयर्स विल बी ऑफ गणेश एंड 2 शेयर्स विल बी ऑफ शंकर। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज अंडर लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। सम लाइबिलिटीज आर गिवन एज सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक लोन 40,000, जनरल रिजर्व 30,000, कैपिटल्स ऑफ गणेश 1,50,000, शंकर 75,000, एंड असेट्स आर गिवन एज कैश 40,000 एंड द टोटल ऑन बैलेंस, द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड इज 4,05,000 एंड असेट्स आर गिवन एज कैश 40,000, बिल्स रिसीवेबल 45,000, सन्डे डेटार्स 90,000, स्टॉक 80,000, फर्नीचर 50,000, बिल्डिंग्स 1,00,000 एंड द टोटल ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन एज 4,05,000। यू आर प्रोवाइडेड विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट On 1st April 2020, they decided to admit Mr. Balu for 1/4 share in future profits. तो नया बंदा जो आ रहा, वो बंदे को बिजनेस में क्या देते बोल रहे? 1/4 share future profits में से देते बोल रहे। The conditions of admission are Balu should bring rupees 75,000 as capital and rupees 40,000 as goodwill. तो नया बंदा जो बिजनेस में आ रहा, वो बंदा अपने साथ कैपिटल के 75,000 लेके आ रहा और गुडविल के लिए 40,000 लेके आ रहा। The amount of goodwill is withdrawn from the business By old partners. तो यहाँ पे जो गुडविल लेके आ रहा बंदा, नया बंदा, ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पुराने पार्टनर्स ये गुडविल का पैसा बिजनेस में से विथड्रॉ कर रहे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन एज बिल्डिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% बढ़ाना है। यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 है, इस पे 20% बढ़ाना है। नेक्स्ट फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 5%। तो यहाँ पे फर्नीचर और स्टॉक की जो वैल्यू है, फर्नीचर 50,000, स्टॉक 80,000, इन दोनों को 5% कम करना है। नेक्स्ट वी हैव एन एडजस्टमेंट, देर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब पुरानी बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी लिखना भूल गए थे, अब लिखना है, मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड। सो देर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ 3,000 रुपीज। गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वट आर द लेजर अकाउंट्स दट वी प्रिपेयर? फर्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग रिवैल्युएशन अकाउंट। द फॉर्मेट फॉर रिवैल्युएशन अकाउंट इज डेट पर्टिकुलर्स जे एफ, विच स्टैंड फॉर जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जे एफ जनरल फोलियो अमाउंट रुपीज, and the name of the account is revaluation account. Towards extreme left we'll be writing DR debit, towards extreme right we'll be writing CR credit. What are the rules for revaluation account? Decrease in value of asset or increase in value of liability will be recorded on debit side of revaluation account, whereas increase in value of asset or decrease in value of liability, it will be recorded on credit side of रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स की वैल्यू कम हो रही या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही, आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, इस तरफ डेबिट में लिखेंगे। या फिर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही, उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। सो दीज आर दी रूल्स फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट विच वी नीड टू रिमेंबर। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए था। सो लेट अस स्टार्ट दी प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स क्या है? देखिए,
बिल्डिंग्स टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, तो द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग्स इज गिवन एज 1 लाख, तो ये 1 लाख पे 20% बढ़ाना है, 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, सो 20% विल बी 20,000, तो बिल्डिंग्स की जो वैल्यू बढ़ रही वो 20,000 बढ़ रही, सो इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, सो बाई बिल्डिंग्स अकाउंट कितने पैसे बढ़ रहे, 20,000 रुपीज बढ़ रहे, द कैलकुलेशन विल बी 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, सो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा, 1 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इट विल बी 20,000। नेक्स्ट वी हैव एन एडजस्टमेंट, फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 5%, तो यहाँ पे फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 50,000 है, 10% ऑफ 50,000 विल बी 5,000, तो 5% कितना आएगा, इट विल बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 2,500, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसका जो कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 50,000 का जो 10% है वो 5,000 है, तो 5% क्या आएगा, इट विल बी 2,500, सो हियर विल बी राइटिंग द अमाउंट एज 2,500। फिर अपने को स्टॉक की वैल्यू भी 5% कम करना है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गिवन एज 80,000, 10% ऑफ 80,000 इज 8,000, 5% विल बी 4,000, तो यहाँ पे अगेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज बीइंग रिड्यूस्ड, सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज टू स्टॉक अकाउंट। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, द वैल्यू इज 80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, सो 10% ऑफ 80,000 इज 8,000, 5% विल बी 4,000। नेक्स्ट वी हैव एन एडजस्टमेंट दैट देर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹3,000, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी हुई नहीं है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इट, तो इट विल बी एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, बिकॉज डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए मेंटेन करते, तो यहाँ पे ये 3,000 रुपये हम लिखना भूल गए थे, अब लिखना है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो कौन सी लाइबिलिटी है वो, वर्कमैन कंपनसेशन, टू वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट कितना पैसा है वो 3,000 रुपीज। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स विच वर गिवन एज एडजस्टमेंट्स फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज, नाउ वी नीड टू बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट, द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 20,000, वेर एज द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 4+3=7, 7+2=9, 9,500, तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 20,000 इज मोर देन 9,500, सो यू विल बी राइटिंग द टोटल एज 20,000 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, 20,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड 20,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस तरफ भी आप 20,000 लिखेंगे, इस तरफ भी आप 20,000 लिखेंगे। तो यहाँ पे 20,000 में से आप 9,000 सब्ट्रैक्ट करिए 11,000, 11,000 में से 500 सब्ट्रैक्ट करिए 10,500, सो द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 10,500 विच विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हु आर ओल्ड पार्टनर्स हियर, गणेश एंड शंकर, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू गणेश कैपिटल, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 10,500 इंटू ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2, तो 3+2 इट बिकम्स 5, सो द अमाउंट इज टू बी डिवाइडेड इंटू 5 शेयर्स फ्रॉम विच 3 शेयर्स आर ऑफ गणेश, सो 10,500 वेन डिवाइडेड विथ 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2,100, 2,100 इंटू 3 इट विल बी 6,300, तो यहाँ पे गणेश का जो शेयर आ रहा है इसमें इट विल बी 6,300। अब बाकी का पैसा किसको देंगे आप, शंकर, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शंकर कैपिटल अकाउंट एंड द कैलकुलेशन विल बी 10,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, सो 10,500 वेन डिवाइडेड इंटू 5 शेयर्स द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 2,100, एज शंकर हैज 2 शेयर्स हिज शेयर विल बी 4,200, हिज शेयर विल बी 4,200।
तो नो वी आर डन विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ है वो नाम के हिसाब से आप अकाउंट बनाएंगे। इफ कैश इज गिवन इट विल बी विल बी प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, इफ बैंक इज गिवन विल बी प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट। तब यहाँ पे कैश 40,000 दिया हुआ है तो आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। सो आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट वी प्रिपेयर कैश अकाउंट। सो हाउ डू वी स्टार्ट कैश अकाउंट, कैश इट इज एन एसेट एंड ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना पैसा है ये लोगों के पास, 40,000। तो नया बंदा बिजनेस में जिस दिन आ रहा उस दिन पुराने पार्टनर्स के पास 40,000 अवेलेबल कैश बैलेंस है। सो कैश इज एन असेट एंड ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस। फिर अब नया बंदा अपने साथ क्या क्या लेके आएगा, एक कैपिटल के पैसे लेके आएगा और एक गुडविल के पैसे लेके आएगा। सो टू शंकर कैपिटल अकाउंट, तो नया बंदा अपने साथ कैपिटल कितना ला रहा, 75,000। तो बालू शुड ब्रिंग 75,000 एज कैपिटल, तो यहाँ पे टू बालू कैपिटल लिखेंगे हम। सो टू बालू कैपिटल इज पेइंग 75,000 टूवर्ड्स इज कैपिटल, सो 75,000 विल बी रिकॉर्डेड एज अमाउंट। फिर ये बंदा कैपिटल के साथ और क्या ला रहा, गुडविल के 40,000 लेके आ रहा, सो गुडविल विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड हियर, क्योंकि कैश के रूल्स क्या है, पैसा आ रहा तो डेबिट में लिखना है। तो कैपिटल के 75,000 आ रहे और गुडविल के 40,000 आ रहे, सो टू गुडविल अकाउंट 40,000, टू गुडविल अकाउंट 40,000। सो इन अवर प्रीवियस प्रॉब्लम्स वी यूज टू डू दी बैलेंसिंग ऑफ कैश अकाउंट हियर इटसेल्फ। यही आप क्या करते थे, कैश का टोटल कर देते थे, पहले से पुराने पार्टनर्स के पास 40,000 थे, नया बंदा कैपिटल के 75,000 ला रहा और गुडविल के 40,000 ला रहा, तो आज ये लोगों के पास 1,40,000 + 40,000 = 80,000 + 70,000 = 150,000 + 5 = 155,000। तो आज ये लोगों के पास कितना पैसा है, 1,55,000 है। सो वी यूज टू बैलेंस इट हियर इटसेल्फ। तो जब आप टोटल करके 1,55,000 डेबिट में और 1,55,000 क्रेडिट में लिख देते थे और अपोजिट साइड जो है ना, हम अपोजिट साइड बाई बैलेंस कैरी डाउन करके इसकी बैलेंसिंग कर दे रहे थे। बट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू विदड्रॉवल ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे जो गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स में बट रहा, वो लोग वो गुडविल का पैसा विदड्रॉ कर रहे, सो वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस कैश अकाउंट इमीडिएटली। अभी कैश अकाउंट का बैलेंसिंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए कैश अकाउंट ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर कैश अकाउंट वील बी प्रिपेयरिंग गुडविल अकाउंट। हम कैश अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाते, वी प्रिपेयर गुडविल अकाउंट। सो हाउ डू वी स्टार्ट गुडविल अकाउंट, कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे थे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे। कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम डेबिट में लिखे थे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरफ लिखेंगे आप बाई कैश अकाउंट, कितना ला रहा वो बंदा गुडविल के 40,000 रुपीज ला रहा। तब ये गुडविल का पैसा क्या करेंगे आप, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हु आर ओल्ड पार्टनर्स, गणेश एंड शंकर। सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू गणेश कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 3:2। तो 40,000 × 3/5, सो 40,000 व्हेन डिवाइडेड इनटू 5 शेयर्स द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 8,000। एज गणेश हैज 3 शेयर्स, 3 8s = 24, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी 24,000। नेक्स्ट द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शंकर कैपिटल, इट विल बी रिकॉर्डेड एज शंकर कैपिटल अकाउंट एंड द कैलकुलेशन विल बी 40,000 × 2/5। सो 40,000 व्हेन डिवाइडेड इनटू 5 शेयर्स द वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी फॉर 8,000 एंड एज ही हैज 2 शेयर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी 16,000। तो आप गुडविल का टोटल करिए, दोनों तरफ 40,000 सेम आएगा, 40,000। सो 40,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड 40,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट, आफ्टर गुडविल अकाउंट वी प्रिपेयर जनरल रिजर्व्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस का प्रॉब्लम था। ये जो पॉइंट दिया, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स बोल के बोला। तब यहाँ पे जो गुडविल का जो अमाउंट बट रहा, ये हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके बाद विथड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर गुडविल अकाउंट वी प्रिपेयर जनरल रिजर्व्स अकाउंट। हाउ डू वी स्टार्ट जनरल रिजर्व्स अकाउंट, इट इज ए लायबिलिटी एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो जनरल रिजर्व्स का जो पैसा है, ये आपको हर प्रॉब्लम में लायबिलिटीज में मिलेगा। तो यहाँ लायबिलिटीज में चेक करिए, 30,000 दिया हुआ है। एज इट इज ए लायबिलिटी इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 30,000 है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो ये 30,000 रिजर्व पुराने पार्टनर्स बिजनेस में पहले से मेंटेन करे हुए है. सो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इट शुड बी क्लोज बाई ट्रांसफरिंग इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो नया बंदा आने से पहले पुराना रिजर्व जो भी पुराने पार्टनर्स मेंटेन करे वो उसको क्लोज कर देना है आपस में बांट लेके. तो वो लोग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या थे, 3/5 फॉर गणेश एंड 2/5 फॉर शंकर. सो इट विल बी रिटर्न एज टू गणेश कैपिटल 30,000 इंटू 3/5 टू शंकर कैपिटल 30,000 इंटू 2/5. तो 30,000 व्हेन डिवाइडेड इंटू 5 शेयर्स द वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी 6,000. एज गणेश हैज 3 शेयर्स हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व विल बी 18,000 एंड एज शंकर हैज 2 शेयर्स हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व विल बी फॉर 12,000. तो ये बंदे को जो पैसा मिल रहा वो 18,000 मिल रहे और ये बंदे को जो जनरल रिजर्व में से पैसा मिल रहा वो 12,000 मिल रहा. नाउ विल बी बैलेंसिंग जनरल रिजर्व अकाउंट. सो द टोटल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी 30,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड 30,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, आफ्टर जनरल रिजर्व वी यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ गिवन इन द क्वेश्चन. बट ये प्रॉब्लम में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र करा हुआ नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो आफ्टर दिस वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, गणेश, शंकर एंड बालू. सो द फॉर्मेट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी पर्टिकुलर्स गणेश अमाउंट रुपीज, शंकर अमाउंट रुपीज, बालू अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स गणेश अमाउंट रुपीज, शंकर अमाउंट रुपीज, बालू अमाउंट रुपीज. सो हाउ डू वी स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इज ए लाइबिलिटी एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. सो कैपिटल इज ए लाइबिलिटी एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. सो आप इसको कैसा लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ये कैपिटल का पैसा आपको हर प्रॉब्लम में लाइबिलिटीज में मिलेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. द कैपिटल ऑफ गणेश इज 1,50,000 एंड कैपिटल ऑफ शंकर इज 75,000. यहाँ लाइबिलिटीज में दिया हुआ है. सो इट विल बी रिटर्न एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 फॉर गणेश एंड 75,000 फॉर शंकर. सो हियर यू विल बी राइटिंग इट एज 1,50,000 फॉर गणेश एंड 75,000 फॉर शंकर. नेक्स्ट, इसके बाद नया बंदा जो है बालू, वो बंदा अपने साथ कैश लेके आ रहा. सो हम कैश के अकाउंट में बालू कैपिटल लिखे थे, तो अब बालू कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे. तो ये बंदा अपने साथ कैपिटल कितना ला रहा, ही पेस रुपीज 75,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल. तो कैश के अकाउंट में बालू कैपिटल का नाम लिखे थे, अब बालू कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 75,000. तब यहाँ पे आप लिखेंगे 75,000. फिर ये बंदा अपने साथ गुडविल का भी पैसा लाया था 40,000, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जो गुडविल का पैसा बांटे आप, तो गणेश गॉट 24,000 एंड शंकर गॉट 16,000. तो गुडविल के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम डेबिट में लिखे, तो गणेश और शंकर के अकाउंट में गुडविल का नाम क्रेडिट में लिखेंगे. तो यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट बांट रहे आप, सो गणेश ही गॉट 24,000, तो यहाँ पे ये बंदे के उसमें लिखेंगे 24,000. शंकर गॉट 16,000, तो ये बंदे के अकाउंट में लिखेंगे 16,000. अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, जनरल रिजर्व्स का अमाउंट बांटे थे, तो जनरल रिजर्व्स का अमाउंट भी बांट देंगे. तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई जनरल रिजर्व्स अकाउंट. तो जनरल रिजर्व्स का जो अमाउंट बांटे, तो गणेश गॉट 18,000 एंड शंकर गॉट 12,000. तो जनरल रिजर्व के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम डेबिट में लिखे, गणेश और शंकर के अकाउंट में जनरल रिजर्व का नाम क्रेडिट में लिखेंगे. ये बंदे को 18,000 मिले थे और वो बंदे को 12,000 मिले थे. ही गॉट 18,000 एंड ही गॉट 12,000. नेक्स्ट, इसके बाद जो है ना, हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पहले बांट दिए थे. सो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम लिखे, तो गणेश और शंकर के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम लिखेंगे. तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जो है ना, इन दोनों का नाम जब लिखे, द फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ 10,500 गणेश गॉट 6,300 एंड शंकर गॉट 4,200. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में गणेश और शंकर का नाम लिखे, गणेश और शंकर के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम क्रेडिट में लिखेंगे. सो देयर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,300 विल बी रिकॉर्डेड इन गणेश कैपिटल अकाउंट एंड 4,200 विल बी रिकॉर्डेड इन शंकर कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट,
अब ये प्रॉब्लम में ये जो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर्स बोल के बोला, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा वो बंदा अपने साथ गुडविल का कितना पैसा ला रहा, 40,000 लेके आ रहा, तो हम उसको कैसा लिखे, कैश अकाउंट में गुडविल के 40,000 आ रहे, तो कैश के रूल्स क्या है, पैसा आ रहा तो डेबिट में लिखना, कौन से नाम पे आ रहा, गुडविल के नाम पे आ रहा, तो टू गुडविल वॉज रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे तो गुडविल के अकाउंट में बाई कैश अकाउंट लिखे। अब ये 40,000 जो गुडविल के पैसे ला रहा वो बंदा, ये पैसा क्या करे आप, पुराने दो पार्टनर्स में बांट दिए, तो इट वॉज रिकॉर्डेड एज टू गणेश कैपिटल 24,000, टू शंकर कैपिटल 16,000। अब गुडविल के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम लिखे तो गणेश और शंकर के अकाउंट में हम गुडविल का नाम लिखे, बाई गुडविल 24,000 फॉर गणेश एंड 16,000 फॉर शंकर। अब अपने को क्या करना है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर्स बोल के बता रहा। तो अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन का मतलब जो गुडविल आया था वो 40,000 का अमाउंट आया था, बट वेन इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स द शेयर ऑफ गणेश इज 24,000 वेर एज द शेयर ऑफ शंकर इज 16,000। तब ये 40,000 जब ये गुडविल का पैसा जो पुराने पार्टनर्स में बांट रहे, गणेश को 24,000 मिल रहे, शंकर को 16,000 मिल रहे। अब ये लोग क्या कर रहे, बिजनेस में से ये पैसा विथड्रॉ कर रहे, विथड्रॉ कर रहे मतलब बिजनेस में से कैश चले जा रहा। तो कैश अकाउंट के रूल्स क्या है, इफ कैश इज कमिंग इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, इफ कैश इज गोइंग इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सो वेन दे आर विथड्रॉइंग गुडविल इट द कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, तब ये पैसा कौन ले रहे, गणेश को जो 24,000 मिले थे ही विल बी विथड्रॉइंग 24,000। तो यहाँ पे गणेश को जो 24,000 मिले थे, ये बंदा अपने 24,000 गुडविल के पैसे विथड्रॉ कर देता, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई गणेश कैपिटल 24,000। फिर उसके साथ शंकर को कितने पैसे मिले थे, ही गॉट 16,000, तो ये बंदा क्या करेगा, अपने 16,000 विथड्रॉ करेगा। तो इस बार बिजनेस में से पैसा जा रहा, सो एज कैश इज गोइंग इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई गणेश कैपिटल 24,000 एंड बाई शंकर कैपिटल 16,000। तो कैश के रूल्स क्या है, पैसा आ रहा तो डेबिट में लिखना है, पैसा जा रहा तो क्रेडिट में लिखना है। अब इसका बैलेंसिंग करिए, अब इसका बैलेंसिंग करने से पहले कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम गणेश और शंकर का नाम लिखे, अब गणेश और शंकर के अकाउंट में हम कैश का नाम लिखेंगे, हियर इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, देयर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जाके लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये बंदा 24,000 विथड्रॉ कर रहा और वो बंदा 16,000 विदड्रॉ कर रहा, सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू कैश अकाउंट, ही इज विथड्रॉइंग 24,000 एंड ही इज विथड्रॉइंग 16,000। सो व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन, एडिशनल स्टेप्स क्या आ रहे हैं आपको, अब तक हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में कुछ नहीं लिखते थे, तो इस बार लिखेंगे, तो जो गुडविल के अकाउंट में डेबिट में लिखे थे हम टू गणेश कैपिटल 24,000, टू शंकर कैपिटल 16,000, यही अमाउंट क्या करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, गुडविल के यहाँ पे ये लोग पैसा क्या कर रहे, विथड्रॉ कर रहे, ये जो गुडविल का पैसा बट रहा है इन दोनों में, ये दोनों विथड्रॉ कर रहे, तो इस बार बिजनेस में से पैसा जा रहा, तो कौन ले रहे, गणेश अपने साथ जो गुडविल का 24,000 आया था ये बंदे को वो पैसा ले जा रहा, शंकर को जो 16,000 गुडविल में से मिले थे वो बंदा अपने साथ 16,000 विथड्रॉ कर रहा। तो अब कैश के क्रेडिट में इन दोनों का नाम लिखे, गणेश और शंकर का, तो गणेश और शंकर के अकाउंट में डेबिट में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर विथड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करिए, द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इज 1,55,000 वेर एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इज 40,000, 20 + 10 = 30, 30 + 6 = 36 + 4 = 40। मतलब अब ये लोगों के पास अवेलेबल कैश 1,55,000 है, या इसमें से 40,000 गुडविल के पैसे विदड्रॉ होने के बाद ये लोगों के पास जो अवेलेबल कैश रहेगा इट इज ओनली 1,15,000। तो 1,55,000 में से 40,000 चले जा रहे, तो आज ये लोगों के पास कितना पैसा बचा हुआ है, 1,15,000। द सेम विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उस तरफ लिखे आप बाई बैलेंस कैरी डाउन, इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, नो विल बी डूइंग द बैलेंसिंग फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा पार्टनर्स को बांटना था बांट दिए, और जो पार्टनर्स विदड्रॉ करे हम वो लोगों के अकाउंट में डेबिट कर दिए। नो विल बी बैलेंसिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ गणेश कैपिटल इज 1,50,000 + 20, 1,70,000 + 10, 1,80,000 + 6, 1,86,000 + 4, 1,90,000 + 8, 1,98,300। तो इस तरफ जो टोटल आ रहा वो 1,98,300 आ रहा, डेबिट साइड गणेश कैपिटल का टोटल क्या आ रहा है 24,000, तो दोनों में हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है 1,98,300, सो 1,98,300 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ गणेश कैपिटल अकाउंट।
नाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग 24,000 फ्रॉम 198,300। तो इस बार आप दोनों तरफ अमाउंट लिख दिए 198,300। अब क्या करेंगे, ये 198,300 में से 24,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 20,000 फ्रॉम 190,000 वी विल बी गेटिंग 170,000। देन सब्ट्रैक्टिंग 4,000 फ्रॉम 8,000 174,300। तो अब आपके पास जो पैसा बच रहा, कितना पैसा बच रहा, 174,300। तो इसको लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आज गणेश का कैपिटल बैलेंस कितना है, 1 लाख टू बैलेंस कैरी डाउन। नाउ विल बी डूइंग द बैलेंसिंग फॉर शंकर कैपिटल अकाउंट। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ शंकर कैपिटल अकाउंट इज 70 + 80, 80 + 90, 90 + 6, 96 + 4, 1 lakh, 1 lakh + 5,000, 1 lakh + 5,000 + 2,000, 1 lakh + 7,000 + 200, 1 lakh + 7,200. So the total on credit side of Shankar Capital is 1,07,200, which will be recorded here as 1,07,200. And on debit side, the total of Shankar Capital is 16,000. So dono mein kaun sa total zyada hai, 1,07,200 is more. So 1,07,200 will be recorded on debit side of Shankar Capital account as well as credit side of Shankar Capital account. So is taraf bhi aap likh denge 1,07,200. So even here it will be recorded as 1,07,200. So subtracting 16,000 from 1,07,200, if we subtract 6,000 from 7,200, we will be left out with 1,200. Then if we subtract 10,000 from 1 lakh, we will be left out with 90,000. So yahan pe jo paisa bach raha, wo kitna bach raha, 91,200 rupees bach rahe. It will be recorded as two balance carried down. Ab aap kya karenge, बालू कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बालू कैपिटल अकाउंट इज 75,000। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बालू कैपिटल अकाउंट इज 75,000, वेर एज द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ बालू कैपिटल अकाउंट इज 0। तो दोनों में हाईएस्ट क्या है, 75,000। सो 75,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बालू कैपिटल अकाउंट एंड 75,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बालू कैपिटल अकाउंट। तो उस तरफ भी आप 75,000 लिखेंगे, इस तरफ भी आप 75,000 लिखेंगे। अब इसकी बैलेंसिंग करिए आप, द टोटल विल बी 75,000 will be recorded on debit side as two balance carried down 75,000, क्योंकि यहाँ पे subtract करने के लिए कुछ amount नहीं है। तो ये बंदे का जो carried down आएगा वो कितना आएगा, 75,000 आएगा। Now the same will be recorded on opposite side for three partners as by balance brought down। तो ये लोगों का जितना carry down करे थे आप, same amounts will be brought down here as by balance brought down। तो ये बंदे का जो carried down हुआ था वो कितना हुआ था, 1,74,300। तो ये बंदे का जो कैरी डाउन हुआ, इट वाज 1,74,300। ये बंदे का जो कैरी डाउन हुआ था वो 91,200 था। तो जो ब्रॉड डाउन होगा वो भी, तो यहाँ पे जो अमाउंट ब्रॉड डाउन करें आप, इवन इट विल बी 91,200। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 91,200। नेक्स्ट, बालू का जो कैरी डाउन करे थे 75,000, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन हियर एज 75,000। तो इसका क्या मतलब आता, गणेश का जो कैपिटल बैलेंस था वो 198,300 था, इसमें से ये बंदा 24,000 जो गुडविल के पैसे मिल रहे वो विथड्रॉ कर रहा। तो आज ये बंदे का कैपिटल बैलेंस कितना है, 1,74,300। शंकर का जो कैपिटल बैलेंस था वो 1,07,200 था, बट इसमें से ये बंदा जो 16,000 गुडविल के मिल रहे वो विथड्रॉ करने से ये बंदे का कैपिटल बैलेंस क्या बाकी रह गया, 91,200। बालू का जो कैपिटल है वो बंदा 75,000 इन्वेस्ट करा था, आज भी वो बंदे के पास 75,000 है। नेक्स्ट, आफ्टर कैपिटल अकाउंट नाउ वील बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अभी हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। द हेडिंग फॉर बैलेंस शीट विल बी बैलेंस शीट ऑफ गणेश, शंकर एंड बालू एज ऑन 1st April 2020। द बैलेंस शीट ऑफ गणेश, शंकर एंड बालू एज ऑन 1st April 2020। यहाँ पे जो हेडिंग है इट विल बी रिकॉर्डेड एज 1st April 2020। वी स्टार्ट विथ लाइबिलिटीज। द फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट इज लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। तो इस तरफ आप कैसा शुरू करेंगे, सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे, कैपिटल्स सबसे पहले आप गणेश का कैपिटल बताएंगे
फिर शंकर, फिर बालू। तो यहाँ पे गणेश का कैपिटल क्या है, 1,70,000, ये जो कैरी डाउन वैल्यूज है ये लिखेंगे, 1,74,300, 91,200 फॉर शंकर, 75,000 फॉर बालू। सो 174,300 हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 1,74,300। फिर ये बंदे का शंकर का कितना था, 91,200। फिर बालू का कैपिटल कितना था, 75,000। After writing the capital balances, we'll be comparing the old balance sheet and we'll be preparing new balance sheet. Capital balances लिख दिया, उसके बाद general reserve 30,000 थे, ये बांट के close कर दिए, बचे क्या, sundry creditors 50,000, bills payable 60,000, bank loan 40,000. तो इसको जैसा है वैसा बताएंगे आप, sundry creditors 50,000. So here it will be shown as sundry creditors 50,000 in new balance sheet liability side. ये जैसा है वैसा बताएंगे आप, sundry creditors कितना था ये, 50,000. So here it will be shown as 50,000. Next, इसके बाद था bills payable 60,000. तो bills payable 60,000 भी जैसा है वैसा बताएंगे आप. Bills payable was 60,000. तो ये 60,000 भी जैसा है वैसा बताएंगे. Next we have bank loan 40,000. तो ये bank loan 40,000 भी जैसा है वैसा बताएंगे. Now we have completed all the items given on liability side of the question. तो liability side जो जो items दिए हुए थे वो पूरे complete हो गए. Now we'll be comparing the items which are given on asset side of the question. Here it is given as cash 40,000. तो नया बंदा जिस दिन business में आ रहा उस दिन ये लोगों के पास 40,000 cash था. But आज ये लोगों के पास कितना cash available है, ये लोगों के पास 40,000 cash था, फिर नया बंदा अपने साथ 75,000 capital के लेके आया, फिर 40,000 goodwill के लेके आया. तो ये लोगों के पास जो टोटल अवेलेबल कैश था वो 1,55,000 था. बट इसमें से पुराने पार्टनर्स क्या करे, गुडविल का जो शेयर मिल रहा 24,000 और 16,000 वो विथड्रॉ कर लिए. तो जिसकी वजह से 40,000 कम हो गए. तो आज ये लोगों के पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है, 1,50,000. सो दे हैड ए कैश बैलेंस ऑफ 1,55,000. बट एज द ओल्ड पार्टनर्स हैज विथड्रॉन द शेयर, देयर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 40,000, ही विथड्रॉ 24,000 एंड ही विथड्रॉ 16,000. सो द अवेलेबल कैश बैलेंस विद द partners now is 1,15,000. So a new balance sheet will be showing cash balance as 1,50,000. तब आप नई balance sheet में cash कितना बताएंगे, 1,15,000. आज ये लोगों के पास 1,15,000 है. Next, after cash we have bills receivable 45,000. तो यहाँ पे bills receivable 45,000 बताएंगे आप. तो यहाँ पे bills receivable 45,000, bills receivable 45,000 बताएंगे. Next, after bills receivable we have sundry debtors 90,000. So debtors पे कुछ adjustment था क्या, आपको कुछ adjustment नहीं था. So debtors will be shown as it is. So debtors 90,000 जैसा था वैसा बताएंगे. Debtors 90,000, sundry debtors 90,000 जैसा था वैसा बताएंगे. नेक्स्ट आफ्टर डेटार्स वी हैव स्टॉक 80,000, जिसपे आपको डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था 5%. तो आप 4,000 कम करे थे. सो इन न्यू बैलेंस शीट इट विल बी शोन एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 80,000. द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 80,000. अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें से डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे. सो यू आर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन. सो इस पर आप क्या कर रहे थे, 5% डिप्रिसिएशन दिए थे, जिसका कैलकुलेशन 4,000 आया था. सो सब्ट्रैक्टिंग 4,000 फ्रॉम 80,000, द वैल्यू विच इज लेफ्ट आउट इज 76,000. नेक्स्ट, आफ्टर स्टॉक वी हैव फर्नीचर 50,000. इस पे भी हम क्या करे थे, 5% डिप्रिसिएशन दिए थे, 2,500. सो हाउ डू वी शो फर्नीचर इन बैलेंस शीट, फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 50,000 थी. फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000. इस पे भी हम डिप्रिसिएशन 5% दिए थे. सो डिप्रिसिएशन एट 5%. तो जिसका कैलकुलेशन 2,500 आया था. सो 50 - 2 = 48, 48 - 500 = 47,500. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 47,500. नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद अपने पास एक और चीज थी,
बिल्डिंग्स 1 लाख, इस पर आपको 20% अप्रिसिएशन करना था जो 20,000 बढ़ाए थे आप, तो हाउ डू वी शो बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो पुरानी वैल्यू थी वो 1 लाख थी, अब इस पे से आपको क्या करना है 20% बढ़ाना है, सो बिल्डिंग्स इट वॉज 1 लाख रुपीज, इस पे आप क्या करेंगे एड अप्रिसिएशन 20%, सो 20% कितना आया था वो 20,000, सो 1 लाख प्लस 20,000 कितना होता 1,20,000। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द आइटम्स विच वर गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड, बट एक एडजस्टमेंट था, देखिए देर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ 3,000 रुपीज, तो पुरानी बैलेंस शीट में लिखना भूल गए थे, तो अब नई मतलब पुरानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करे, अब आप नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन कितना था वो 3,000 रुपीज था, सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज 3,000। Now we have completed all the items which are given in liability side of the question as well as asset side of the question and we have completed all the adjustment. अब सिर्फ ये लोगों का balancing करना बाकी है, 1,70,000, 1 lakh plus 90,000, 1,90,000 plus 70,000, 2,60,000 plus 40,000, 3,30,000 plus 50,000, 3,80,000, 3,80,000, 4,40,000, 4,80,000, 4,83,000, 4,83,000 प्लस 5,000, 4,88,000, 4,89,000, 4,93,000, 4,93,000 प्लस 300, 4,93,300 प्लस 200, 4,93,500, तो इस तरफ टोटल लिखेंगे आप 4,93,400, सो द टोटल ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज 4,93,500, सो द सेम शुड बी द टोटल ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000 प्लस 10,000, 1,50,000 प्लस 10,000, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 90, 2,50,000, 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, 1,90,000 प्लस 10,000, 2 लाख, 2 लाख प्लस 40, 240 प्लस 10, 250, 190 प्लस 10, 2 लाख, 2 लाख प्लस 40, 240 प्लस 10, 250, 2,50,000 प्लस 70, 250 प्लस 50, 3 लाख, 320 प्लस 40, 360 प्लस 1 लाख, 460 प्लस 20, 480, 480 प्लस 7, 487, 488, 489, 490, 493, अगेन वी हैव 500, सो हियर ऑल्सो द टोटल इज 4,93,500, सो द टोटल ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज 4,93,500, 4,93,500। तब ये प्रॉब्लम में नया क्या था, गुडविल इज बीइंग विथड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, तो पहली बार जो गुडविल लिखते हम वो कहाँ लिखते, कैश अकाउंट में, ये बंदा गुडविल ला रहा था टू गुडविल 40,000 लिखते, फिर यही अमाउंट कहाँ लिखते, गुडविल अकाउंट में बाय कैश 40,000 लिखते, तो नया बंदा जब अपने साथ गुडविल लेके आता वो दो तरफ पोस्टिंग होती, एक कैश अकाउंट में टू गुडविल, फिर दूसरा गुडविल अकाउंट में बाय कैश, फिर ये गुडविल का पैसा क्या करते आप पुराने पार्टनर्स में बांट देते, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू गणेश कैपिटल 24,000, टू शंकर कैपिटल 16,000, फिर ये 24,000 और 16,000 और एक बार कहाँ लिखते आप पार्टनर्स कैपिटल में बाई गुडविल 24,000 16,000, ये बांटने का अमाउंट था। अब ये प्रॉब्लम में नया क्या था, द अमाउंट वंस इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स दे आर विदड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द बिजनेस, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट के डेबिट में जो आप लिखे टू गणेश कैपिटल 24, टू शंकर कैपिटल 16,000, द सेम अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, तो यहाँ पे जो गुडविल के डेबिट में लिखा हुआ था सेम चीज कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे टू गणेश 24 है, यहाँ पे बाई गणेश कैपिटल 24 है, इस तरफ टू शंकर कैपिटल 16,000 है, इस तरफ बाई शंकर कैपिटल 16,000 है, फिर ये चीज़ और एक बार कहाँ लिखेंगे आप कैश के अकाउंट में गणेश और शंकर का नाम क्रेडिट में लिखे तो गणेश और शंकर के अकाउंट में कैश का नाम डेबिट में लिखेंगे, सो दिस इज द न्यू थिंग दैट वी रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ विथड्रॉवल ऑफ गुडविल बाय द ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Even share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.